तरह मेरी। क्या बोलूं मैं इस कुर्ती के बारे में, क्या दे रखे हैं पता नहीं, झल्लर कुर्ती हॉल में। ये मैं कर क्या रही हूँ कि क्या बोलूं मैं, रुक जाओ पहले मुझे थोड़ा साइड होने दो। Welcome back to my channel. Again, I am back with another video from Meesho, but this time it is going to be kurti haul. But before starting, I would like to tell you that इस बार भी जो suits हैं सारे affordable हैं और ये मेरे favorite भी हैं, कुछ कुछ favorite नहीं भी हैं। मैंने जस्ट try करने के लिए मंगा लिया था कि देखते हैं कैसे आता है। मैंने सोचा कि जो मुझे पसंद नहीं भी आते एक बार उनको भी try करके देख लेते हैं, क्या पता अच्छे आ जाए, but कुछ बोलूंगी नहीं सीधा दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज दिस मरून कलर सूट। इसको मैंने लिया था 226 रुपीज में और इसका करंट प्राइस भी 226 ही है। तो इस कुर्ती में स्ट्रैप्स हैं और जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि ये एडजस्टेबल है। देखो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नीचे ये पूरा फ्लेयर्ड है। तो जो ये वाली कुर्ती है मुझे बहुत पसंद आई, बट इसमें मैंने साइज एस मंगाया था और फिर भी मुझे लूज हो रहा है। तो मुझे लगा कि इसमें मुझे एक्सेस मंगाना चाहिए था, शायद तब ये सही आता। बट मेरी हाइट थोड़ी लंबी है तो लेंथ भी इसकी थोड़ी सी छोटी हो रही थी। इस पे एक दुपट्टा भी है जिसपे गोटा पत्ती का वर्क करा गया है और इस कुर्ते के भी एंड एंड पे गोटा पत्ती का वर्क दे रखा है। इस प्राइस पॉइंट पे ये मिला है वो अच्छा ही है मुझे लगता है। और बट मुझे भी अच्छी लगी थी ये कुर्ती, बट इसमें साइज का इशू हो गया था। तो देखती हूँ मैं रखती थोड़ी कन्फ्यूज हूँ, बट शायद मैं रख लूँ। नेक्स्ट बारी आती है मेरे सेकंड फेवरेट सूट की इस हॉल में। और आप सोचेंगे फर्स्ट फेवरेट कौन सा है, वो तो बाद में पता चलेगा। मैंने इसको पहने भी था तो मैंने इसको बांध दिया ताकि थोड़ा एडजस्ट हो जाए। और इसको आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा पेपलॉन वाला पैटर्न है इसका और ग्रीन पे यही गोल्डन वर्क है जो वो करा गया है। यहाँ पे नीचे मैंने ऐसा भी डिजाइन दे रखा है थोड़ा सा क्यूट दिखाने के लिए। इसके साथ जो मिलता है वो है ये शरारा सेट, और जो कि ऊपर से प्लेन है और नीचे से प्रिंटेड है। बीच में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट या इस पार्टीशन को अलग करने के लिए गोटा पत्ती वाली लेस लगाई गई है ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे, और नीचे भी आपको ये वाली लेस मिल जाएगी। इसका करंट प्राइस है 539 और ये मैंने 539 रुपीज में ही ली थी, और 539 के हिसाब से ये बेस्ट है। नेक्स्ट जो कुर्ती है मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, और जब मैं ले भी रही थी इसे मैं तब भी मुझे कुछ खास जमी नहीं थी। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जो मुझे पसंद नहीं आती चीजें, मैंने सोचा उसको भी एक बार ट्राई करके देख लो, क्या पता अच्छी आ जाए। और इस कुर्ती में सबसे जो मिनिमम साइज मिल रहा था वो मीडियम मिल रहा था, मतलब स्मॉल एक्सरसाइज क्यों नहीं था मुझे समझ नहीं आ रहा है, होना चाहिए। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस कुर्ती से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट मैंने मंगाई थी ये वाली व्हाइट कुर्ती, इसमें सी थ्रू का प्रॉब्लम है। इसके इस टाइप का कुछ दे रखा है, इस साइड भी दे रखा है और आपको इस साइड भी दे रखा है, क्योंकि इसका साइज लूज आ रहा है। तो मैंने जब इसको पहना था मैंने पीछे इनको दोनों को टाई कर लिया था ताकि जैसे से वीडियो में दिखाने के लिए एडजस्ट तो हो ही जाए। इसके साथ जो हमें मिलता है पजामा, इसका पजामा मुझे बहुत पसंद आया था। देखो पजामा ही लग रहा है, नाइट सूट का पजामा लग रहा है। तो इस टाइप के प्रिंटेड सूट मुझे पसंद नहीं आते, बट मैंने ट्राई करने के लिए ले लिए थे, बट मैं नहीं लेने वाली अब और मैं इसको रिटर्न भी करा दूंगी। नेक्स्ट जो कुर्ती है उससे मुझे इतनी उम्मीद थी, इसका तो पजामा सलवार फिर भी अच्छा है, इसमें प्रिंटेड है। और इसमें जो मुझे सबसे बेकार चीज लगी वो क्या आप देख सकते हो, इसका जो कुर्ता है उसकी फिटिंग कितनी बेकार है। और जो इसका ऊपर से डिवाइडर वाला पार्ट था नीचे से फ्रॉक वाला, वो अगर थोड़ा सा ऊपर होता तो ज्यादा सही रहता, बट नीचे है तो एकदम बकवास लग रहा था। इसको भी मैं रिटर्न कराने वाली हूँ। और इसको मैंने इस प्राइस में लिया था वो था 689 और अभी भी ये 689 पे है। इसमें भी एक दिक्कत थी कि ये भी मीडियम साइज में था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब स्मॉल साइज या एक्सेस साइज क्यों नहीं है। तो फिर मैंने मीडियम ही मंगा लिया, मैंने सोचा कि अगर अच्छा आएगा तो फिटिंग विटिंग करके एडजस्ट कर लेंगे, पर क्या ही एडजस्ट करूँ आप खुद ही बताओ। इसका जो ऊपर से ये चोली वाला पार्ट है मुझे लगा था ये नीचे होगा, बट ये कुछ ज्यादा ही नीचे है। ये भी मैं रिटर्न कराने वाली हूँ। आपको लग रहा होगा कि सभी रिटर्न ही करा रही है, रख क्या रही है। तो रख जो मैं रही हूँ वो तो मैं बताऊंगी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जरूर बताऊंगी मैं क्या रख रही हूँ। और अब बारी आती है इसकी जो मैंने ही वेयर कर रखा है। ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था इस पूरे कुर्ती हॉल में, तभी जाके ये मैंने पहन लिया। मैंने कहा मैं अपने आपको दिखाऊंगी तो इसमें ही दिखाऊंगी। इस पूरी कुर्ती में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो था इसका ये नेक के सामने वाला डिजाइन, मतलब ब्लैक के साथ ये जो ऑरेंज और पिंक का जो ये कलर है ये बहुत अच्छे से जा रहा है।
यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मिरर वर्क भी है। कुर्ती का नेक है वो इस पे चार चांद लगा रहा है और मैं क्या ही बोलूं, मैं इस कुर्ती से सबसे ज्यादा खुश हूँ। इसके साथ मिलती है ये चुन्नी। इसकी जो चुन्नी की लेंथ है वो भी प्रॉपर है, छोटी नहीं दे रखी है, वरना यूजुअली होता क्या है ना कि छोटी छोटी चुन्नी दे देते हैं ऐसा रखने के लिए, पता नहीं क्यों। इसको मैंने जिस प्राइस में लिया था वो था 625 और अभी भी है 625 में, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि ये भी मीडियम साइज में ही था, इसमें भी स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं था, मतलब कि मुझे थोड़ी लूज भी हो रही है, इसको मुझे फिटिंग करवाना पड़ेगा, बट मैं इसको फिटिंग कराने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई थी। बट ठीक है, और मैं ये कहूंगी कि ये वाली सूट आप जरूर लेना, कोई और लो ना लो बट ये जरूर ले लेना। तो कोई सा भी सूट पसंद आया तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ चेकआउट करो। ओके, नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। आई होप यू लाइक समथिंग और नॉट, and if you do then please subscribe to my channel, like, share this video, and I see you in my next video. Till then take care and goodbye.